रणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता दूं, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ठीक उसी प्रकार से छोटे बच्चों के साथ में, लड़कों के साथ में कुछ कुकर्मी, कुछ हवस प्रकार के लोग बलात्कार कर देते हैं, जिससे बच्चों को डरा दिया जाता है, बच्चों को धमका दिया जाता है और बच्चे गर्भवान नहीं हो सकते हैं। उन्हें ऐसा एक सुरक्षित ये स्थान मिल जाता है, फिर बच्चे हमेशा डरे हुए और गुदा मैथुन में लिप्त हो जाते हैं। फिर बच्चे डर की वजह से, शर्म की वजह से अपने माता पिता को, अपने अभिभावक को बता नहीं पाता है। जिन लोगों ने मुझसे बात की, उन लोगों ने मुझे, मैंने सुझाव दिया आप अपने माता पिता को बताइए, तो उन लोगों ने हिम्मत की और अपने पिता को न बता के अपनी माता को जिसने बताया है, उस लड़के से मेरे फ़ोन के ऊपर वार्ता हुई। फिर उसकी माँ ने मुझसे जो वार्ता की, उस वार्ता का अंश मैं आपको इस YouTube में बता रहा हूँ, जिसमें किस प्रकार बच्चा अपनी माँ को बोलता और माँ वापस उपचार के लिए प्रयास करती है। ये सब जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि बच्चों के साथ में जो गुदा मैथुन हो जाता है, उसमें बच्चे आदि हो जाते हैं, जिससे वह हमेशा सेक्स करने के लिए आदमी के प्रति तत्पर रहते हैं और महिलाओं में रुचि नहीं रहती है। किस प्रकार से उस लड़के ने अपनी माँ से मेरे को बात करवाई, उस बात को मैंने ध्वनि को कन्वर्ट कर लिया है, जिससे उस लड़के की या उसके माँ की आवाज़ को कोई पहचान न सके। इस प्रकार से ये आपके सामने हम तीनों की वार्ता फोन के ऊपर हुई है, वो आप सुनिए। और अगर आपके साथ ऐसा होता है किसी के परिवार में, किसी लड़के के साथ में, तो अपने माता पिता को ज़रूर बताएं, जिससे आपको एक अच्छा रास्ता मिल सकते हैं। सुनिए ये हमारी वार्ता। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। ये मैंने आपको फोन लगाया था कुछ दिन पहले, याद होगा आपको? मेरे पास में रोज के 70-80 फोन आते हैं, उनको याद नहीं रहता। बोलो क्या बात है? नहीं, मैंने आपको बताया था ना वो इलाज के लिए, तो उसके लिए थोड़ा आपके पास टाइम है? 2 मिनट थोड़ा पहले मेरे पेरेंट्स बात करेंगे आपसे। बताओ। बोलो मम्मी। हाँ ये जी, माँ तो हेलो। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते सर, आपने हमारे लड़के के लिए इलाज के लिए बोला था, हाँ, काउंसलिंग करने के लिए? हाँ 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 हाँ। कितने पैसे चाहिए? हाँ, क्योंकि रेट है, हमने देखो 5 से 10 भी हमारे पास जो आ रहे हैं, तो हम उनसे ले रहे हैं, दे रहे हैं उनको काउंसलिंग और लोग ठीक हो रहे हैं। अच्छा, सुनिए ना, आपको जैसे आधा अभी देंगे आधा बाद में देंगे तो? नहीं, मुझे क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? दुकान है आपके पास में, जो कैश वाला आएगा पहले आप उसको देखोगे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक महीना करना पड़ेगा काउंसलिंग? एक महीना, जिसमें होमवर्क दिया जाता है। दस काउंसलिंग होती है, 10। अच्छा अच्छा। बिगड़ी हुई लाइफ को वापस कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे क्या तैयारी करनी है। भटका हुआ इंसान होता है, कुछ समस्या है मन में, कुछ दिक्कतें होती है, नहीं समझ रहे? वो बहुत परेशान रहते हैं। हाँ हाँ, तो वो परेशानी देखो, कभी माता पिता को नहीं बता सकता, अपने दोस्तों को नहीं बता सकता। नहीं, हमको सब बता दिया, मम्मी को पापा को बता नहीं पाता वो। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। रस्ते पे आ जाए, मान लो अगर कोई चोर है, समझ लो चोर होता है, और चोर ठीक हो जाता है, फिर दुनिया को कहने की क्या जरूरत है? वही बोल रहे मम्मी, तुम थोड़ा सा। अरे देखो देखो, बच्चे है, गलती कोई सिखा देता उसको, बच्चों की आदत को गंदी डाल देता है। कोई बीड़ी सिखाता है, कोई सिगरेट सिखाता है, कुछ इस प्रकार से कोई गंदी चोरी करना सिखा देता है, तो आदत बन जाती है। मथुरा वृंदावन से घूमने के आने के बाद घर में आके फिर चालू हो गया उसका। अब वो भगवान से कुछ होने वाला नहीं है, वो देखो आदत बिगड़ी हुई होती है,
समझ रहे हैं? अच्छा, आदत बिगड़ जाती है ना, फिर उसको सुधारने में टाइम लगता है ना। अच्छा, तो फिर कब से चालू कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम है, मैं तो रोज देता हूँ। मेरे पास में पंजाब के ज्यादा है, दिल्ली के ज्यादा लोग है मेरे पास में। अच्छा, वो देखो अब गलती इंसान से होती है। अच्छा, ये बात करिए उसके। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, बात हो गया। हाँ बात हो गया। देखो मम्मी चिंता कर रही बहुत। हाँ देखो, माँ बाप चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? पापा को तो बोला ही नहीं है, शर्म लगता है, क्या बोल, मम्मी से बोला हूँ मैंने। नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है, देखो माँ है, जन्म दिया है, समझ में। और माँ को मैं कुछ नहीं बोला हूँ, देखो गलती हो जाती है इंसान से, को गलत सिखा देता है। हाँ सर, और ना पापा विश्वास नहीं करते, पापा मेरे को ही चिल्लाते, गाली गलौज कर रहे हैं। नहीं पापा, पापा को थोड़े वो है ना, सोशल, और वो सोचते हैं तो बहुत उम्र एज हो रहा है, 34 हो गया, शादी का दौर, गाली गलौज। मम्मी समझती है, पापा बहुत चिल्लाते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो पापा को पता नहीं है, जब पापा को इस चीज का पता लगेगा कि कोई व्यक्ति अगर कहीं भटकाव में है तो उसको कैसे लाना है रास्ते पे। कई बार क्या होता है, चोर डाकू भी होते हैं तो वो भी सुधर जाते हैं। अफीम गांजे का कोई नशा करता है, और जो नशा नहीं करता उसको क्या मालूम नशा क्या क्या चीज है। हाँ, सर वो क्या पापा का ये मतलब, हमने आपको बोला था ना, रिलेटिव में है मेरा। हाँ, पापा और ही नहीं सुनते हैं, मतलब मेरे बुआ का लड़का है। आप सब क्या छुपा रहे, बुआ का लड़का मेरा। पापा और समझ रहे, पापा की बहन है, लड़का है, तो पापा और ही नहीं सुनते, मेरे को चिल्लाते हैं, मेरे को डिप्रेशन में है, तो आप तो समझ रहे ना मेरा मानसिक स्थिति कैसा है। मम्मी पापा सोचते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। मम्मी लोग नहीं समझते सर, आपको बहुत रोता हूँ मैं बैठ के। मौत आ जाए तो अच्छा है। नहीं नहीं ऐसे बहुत थक चुका हूँ मैं। नहीं सही में सर, पापा को भी नहीं बोल पाता हूँ, मैं घुटता हूँ अंदर, मालूम आपको तो पता होगा। मरने की तैयारी कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता जिंदगी से। नहीं नहीं, मेरे पास में जो नंबर में आया ना, वो मरना छोड़ दिया है। आपसे बात करके थोड़ा अच्छा लगा जीने का, वो हुआ, मैं सोचा इसलिए करूं, पढ़ा ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से आगे तैयारी कर सकोगे जिंदगी की। कल से शुरू कर दूंगा मैं, सोच रहा काउंसलिंग। कोई 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 दिक्कत नहीं है, मैं टाइमिंग देंगे अपन, टाइम सेट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, समय पे होता है, बातें होगी और जीने का अच्छा अंदाज आ जाएगा। समझ में। तो फिर टाइमिंग कल से आप बता देना। हाँ मैं देखो डेटे देखनी पड़ेगी अभी। हाँ, मैं थोड़ा लोकेशन से बाहर हूँ, यहीं पे हूँ, कोई वीडियो बनाने आया था। तो मैं थोड़ा इस माइनिंग बेल्ट में आ गया, मैंने कहा थोड़ा देर बाद आधा घंटा है, मैं इसका उपयोग कर लूँ। तो मैं दूंगा काउंसलिंग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आ जाएंगे, रसीद मुझे भेजनी पड़ेगी आपको। अच्छा, रिसिप्ट जो होती है ना, बैंक से भेजो, पेटीएम से भेजो, जिससे भी भेजते हो ना, उसकी रसीद देंगे आप मुझे, ताकि दोनों के बीच में बेस्ट कम्युनिकेशन रहे। और मेरे पास तो देखो यूपीएस, आईआईटी, और क्या कहना चाहिए, ये आपके जो आईपीएस आईएएस जो एग्जाम देते हैं ना, मेंस क्लियर किए हुए वो लड़के भी हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उनके साथ में बचपन में किसने गलत कर दिया, उनकी तो गलती है नहीं है ना। और फिर उन लोगों रूट चेंज हो जाता है, तो उसी में रूट चेंज हो जाता है। और फिर क्या होता है कि लेडीज के प्रति इंटरेस्ट होता ही नहीं है। लेडीज क्या है, उसे दिखती नहीं है, सामने से गुजरती है, दिखती नहीं है। तो ठीक है सर, अच्छा लगा आप मेरे को। मैं आप कब लगाऊं आपको फोन, कल परसों बता दीजिए, आप ठीक कर लेंगे अपन। मेरे बात बताओ, ऐसा है अकाउंट में जमा कर देंगे पैसा, रसीद भेज देंगे। मैं रसीद आते ही आपको भले मैं कॉल बैक कर दूंगा, आप कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आप नंबर मेरे को वो कर देंगे, अपना अकाउंट नंबर व्हाट्सएप? तो मुझे अभी व्हाट्सएप कर दो आप, मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ। मैं तो व्हाट्सएप अभी यूज नहीं करता हूँ सर। व्हाट्सएप यूज नहीं करते? मैसेज नहीं कर पाएंगे आप, नंबर हो जाएगा तो मैं मैसेज अकाउंट नंबर फिर मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ, अभी शूटिंग लेते लेते आपसे बात में उलझ गया। तो आप कर दीजिए मैसेज, है ना। तो मैं अकाउंट कौन सा अकाउंट नंबर दूं बताओ, मेरे पास में 3 अकाउंट है। क्या कौन कौन सा? एक तो कैनरा बैंक है, SBI है, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। SBI कर दीजिए, अच्छा है, यहाँ पे है उसका ब्रांच बहुत। ठीक, तो मैं SBI का कर देता हूँ। कर दीजिए। हाँ, इसी नंबर पे करूँ? इसी पे कर, ये मेरा नंबर है ना। हाँ 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 अच्छा सर, ठीक है, चलिए ठीक है, राइट राइट राइट, ओके, थैंक यू।